अरे विजु, ये ले पूरे 2 लाख है। घनश्याम जी की दुकान पे जाना, जेवर तैयार हो गए होंगे। जी भाभी। अच्छा सुन, जेवर लेके सीधा घर ही आना, घर की इज्जत की बात है। तुझे तो पता है भैया ने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए हैं। मुझे पता है भाभी, चलता हूँ। जल्दी आना। ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। राम कसम, अगर मेरी हैसियत 2 लाख की होती तो मैं यूं उठाकर दे देता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया इतने कम वक्त में रुपयों का इंतजाम करेंगे भी तो कहां से। हाँ ये बात भी ठीक है, तुम्हारा घर भी तो किराए का है। एक काम कर, तू पार्टी देख, मैं ये क्लब गिरवी रख देता हूं। नहीं बाबू भाई, तुमने इतना कह दिया काफी है। तो मैं क्या करूं, यहां घर की इज्जत का सवाल है। अगर कहीं ये शादी रुक गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। पहले तेरे भैया को एक अटैक पड़ चुका है। एक रास्ता है विजय, काम भी नेक है और तेरा काम भी हो जाएगा। बाबू भाई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। किसी का खून करना है। बाबू भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सोचा मैं इतना नीच हूं। अरे तो मैं किसी धर्मात्मा के खून की बात नहीं कर रहा, वो नारू है ना, उसी को मरवाने की सुपारी निकली है। कुट्टी ने 5 लाख का डिमांड किया पार्टी से, अपन 3 लाख में पटा सकते हैं। तेरी बहन की शादी भी निपट जाएगी और मैं भी अपने छोटे मोटे खर्चे निपटा लूंगा। हाँ मगर किसी का खून। अब ज्यादा मत सोच, नारू एक राक्षस है, लोगों की जिंदगी से खेलना पेशा है उसका। एक पूरे कमजोर आदमी को मारकर उसके घर पे कब्जा करके उधर से मौत का धंधा करता है वो। पुलिस कोर्ट कहीं पर उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अगर कुट्टी ने कहीं सुपारी ले ली। लेकिन बाबू भाई मुझसे खून नहीं होगा। देख जल्दी कर, नारू को मारकर इस शहर का उद्धार करेगा तू, कुछ मत सोच। नारू जैसे रावण के अंत के लिए हर युग में राम का जन्म होता है, तू राम बन जा। नहीं ये मुझसे नहीं होगा। होगा राम कसम, जरूर होगा।